Al Mantashar Realty presents to you The Heaven's Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Mantashar Realty. A magnificent 21-story tower, centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. MIDC के 24 घंटे के शटडाउन के बाद कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में सभी घरों में आया गंदा पानी, क्या कहा अलमास कॉलोनी के निवासियों ने सुनी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार आधी रात से लेकर शुक्रवार रात तक पानी आपूर्ति मेंटेनेंस काम के लिए MIDC द्वारा बंद की गई थी। शटडाउन लिया गया था 24 घंटे का MIDC द्वारा, जिसके चलते एक दिन की पानी आपूर्ति बंद रही। वहीं शनिवार को जब पानी आपूर्ति फिर से शुरू हुई तो कौसा के अलमास कॉलोनी परिसर के कई बिल्डिंगों, कई मकानों के अंदर गंदा पानी आया। किस तरीके से गंदा पानी आया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही इस बारे में क्या कहा स्थानीय निवासियों ने वो भी हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि कौसा मुमरा में पानी की समस्या दूर करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। रिमॉडलिंग की योजना लाने की बातें की गई है। रिमॉडलिंग योजना का 232 से 38 करोड़ रुपए खर्च करके काम भी किया जा रहा है, मगर गंदा पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? तस्लीम बड़ान। तस्लीम जी, ये इलाके को क्या कहते हैं आप? जिधर अलमास कॉलोनी रोड रहनुमा, नियर रहनुमा स्कूल, मंगल अपार्टमेंट। आज आपकी महानगर पालिका से क्या शिकायत है? महानगर पालिका से ये शिकायत है सर कि कल जुमा की रोज़ पानी नहीं आया था इधर इस एरिया में, और आज जो पानी आया है म्यूनसिपालिटी का तो इतना गंदा पानी, स्मेल TMC का जो आज पानी आया है वो पूरा गंदा है सर। पूरा गंदा पानी आया है, इससे और खराब पानी था सुबह पूरा, यानी नाले सा मिट्टी वगैरह तो उसके अंदर शायद मिलती टोटली सब। इतना ही ना कि हम जल्द से जल्द हम लोग को जो है ये क्लियर करा के दीजिए ताकि हमारी समस्या हल हो जाएगा। तो ये पूरे इलाके में आज ऐसे ही पानी? हाँ जी, हाँ जी, पूरे इलाके में ऐसे ही पानी आया है। पीने के लिए आप पानी कहाँ से वापर? पीने के लिए अभी जार मंगाया है सर। जार भी कम से कम 40-50 रुपये का एक जार लगता है, तो 2 जार मंगाए हैं पीने के लिए। ना और नहाना वगैरह तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठंडा बाथरूम वगैरह के लिए कहाँ से पानी लाए पा। तो इस पानी में बास आ रही है? हाँ, स्मेल थी इस पानी के अंदर, गंदी स्मेल। हाँ, गंदी स्मेल थी पूरा, यानी नाली का कचरे जैसा पानी आ रहा था इसके अंदर, पूरा स्मेल भी आ रही थी। ये जो लोग गाड़ी पे एक्टिवा पे ये जो पानी के केलन लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पीने के लिए लोगों के घरों के लिए? पीने के लिए लोगों के लिए जा रहे हैं, ये सब ऑर्डर दे के ये लोग मंगा रहे हैं पानी। पानी पीने के नहीं 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 है तो कहाँ से कर पाएंगे। आइए भाई, आइए आगे। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, ये जो आप पानी के जो बिस्लेरी के ये गेलन लेके आ रहे हैं, आप ये किधर से लेके आ रहे हैं? आपकी दुकान से, खरीद के दुकान से ला रहे हैं आपके घर के लिए? तो आज पानी आपके इधर कैसा आया है? गंदा पानी एकदम, जो पीने लायक और पकाने लायक दोनों नहीं है। तस्लीम भाई, ये जो गंदा पानी जो आज आ रहा है, इसको लेके आपने स्थानिक नगर सेवक को शिकायत की है अभी तक? अभी नहीं की है सर। स्थानिक नगर सेवक को आपने शिकायत नहीं की है? ये पानी पूरे इलाके में आज गंदा है और स्थानिक नगर सेवक का भी ध्यान नहीं है इस चीज़। मुनाब भाई, आप ये अलमास में रहते हैं और यहाँ पर आज पानी कैसा आया है? पानी बहुत, ये देख रहे हैं आप कितना गंदा पानी आया है। ये पानी पीने से तबीयत खराब हो जाएगी, इससे कमला हो जाएगा और बहुत सी भी बीमारी हो जाएगी, डेंगू हो जाएगा, बहुत सी ऐसी बीमारी हो जाएगी इससे। बहुत गंदा पानी, मतलब ये गंदे पानी से अपना कमला हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मतलब आज पूरे इलाके में ऐसे ही पानी, पूरे सब जगह पे ऐसे ही गंदा पानी है। तो आप महानगर पालिका को और स्थानिक नगर सेवक को क्या कहना चाहेंगे? देखो, महानगर पालिका को सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मतलब पानी बहुत गंदा आ रहा है और फिर मतलब ये ऐसा बार बार आएगा तो मतलब हम लोग ये इससे कब तक हम लोग ये क्या करें।